नमस्कार दोस्तों, मैं आरोही मैदान स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो चलिए चलते हैं अपनी खबर की। चलिए जानते हैं 3 नवंबर को कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपको बता दें, IMD ने आज के मौसम की जानकारी देते हुए बताया, देश के इन राज्यों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। देश से अधिकतर इलाकों से मॉनसून की विदाई हो चुकी है, मौसम अब करवट लेने लगा है। देश के पूर्वी उत्तर क्षेत्र सहित अन्य मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड दस्तक दे चुकी है। इन क्षेत्रों में रात और दिन तापमान में करीब 10 डिग्री अंतर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, वहीं देश के दक्षिणी राज्यों के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि 3 नवंबर को कैसा रहेगा देश भर के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस वजह से मैदानी इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। इन इलाकों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान के कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के रात के तापमान गिरावट देखी जा रही है। वहीं दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मॉनसून की वजह से बारिश हो रही है। हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र इस समय तमिलनाडु तट और श्रीलंका के ऊपर बना हुआ है। इसके कुछ और दिनों तक उसी क्षेत्र में बने रहने और फिर पश्चिम दिशा में बढ़ने की उम्मीद है। स्काईमेट वेदर के अनुसार पश्चिमी हिमालय पर एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों पर भी बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसमी हलचल। बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग की माने तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखी गई। वहीं देश के उत्तर पश्चिम तथा मध्य भाग के तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया है। अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियों में जानकारी दी है। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और पुदुचेरी के साथ तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं रायलसीमा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 3 नवंबर को बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है, जबकि अन्य मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। बिहार में इन दिनों उत्तर पश्चिमी हवा के निरंतर प्रभाव से दिन और रात के तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। पछुआ हवा के कारण दिन में धूप के बावजूद हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के बारे में पूर्वानुमान है कि जल्द ही वहां भी ठंड का प्रभाव देखेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दे और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।